नंदनी मात्र सेवा संस्थान समिति द्वारा अलग अलग विधाओं के विशिष्ट व्यक्तियों के सम्मान समारोह का आयोजन नवलखा स्थित महेश्वरी मांगलिक भवन में किया गया। संस्था के अध्यक्ष ओम सिलावट ने बताया कि लोगों की मदद करना एवं सम्मान करना संस्था का मुख्य उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संस्था द्वारा विगत 14 वर्षों से आयोजन किए जाते हैं। संस्था द्वारा मेलों की झांकी बनाने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पिछले 2 वर्षों से अनंत चतुर्दशी पर झांकी बनाकर परंपरा को जीवित रखने वाले पुरस्कृत झांकी के कलाकारों को सम्मान भी किया जा रहा है। इसी तारतम्य में सोमवार को सम्मान समारोह एवं महाप्रसादी का आयोजन किया गया। झांकी कलाकारों को राखी एवं प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई। आयोजन के दौरान हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं उनके जीवन पर चकदे इंडिया फिल्म बनी है। ऐसे महान खिलाड़ी एवं कोच मीर रंजन नेगी, भजन सम्राट हरि किशन साबू, भोपू जी, शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देने वाले आजाद P3 एकेडमी के महेंद्र पाटीदार, लखन समाज सेवा के लिए गोविंद अग्रवाल, खेल के लिए कबड्डी खिलाड़ी घनश्याम चौधरी, अमरनाथ यात्रा के लिए प्रदीप अग्रवाल, लावारिस एवं अज्ञात लाशों के दाह संस्कार के लिए करीम एवं फिरोज पठान को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में सम्मान प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसी सिलावट ने किया। इस अवसर पर प्रमोद टंडन, प्रकाश तिवारी, अब्दुल रऊफ, राम सिंह परिया, मोहन सिंगर भी मंच पर उपस्थित थे। अतिथियों का स्वागत संदीप गोयल, पवन तिवारी, धनंजय शर्मा, राजू रतन, संजय अवस्थी, सचिन सिलावट, अमित सिंगर, पंकज तिवारी, आजाद पटेल, राकेश सिलावट, विवेक निगम, व्रत सोनकर, संजय सिलावट आदि ने किया एवं आभार संदीप गोयल ने माना। प्रतिभाओं का सम्मान, चाहे वो कला की हो, संस्कृति की हो, खेल की हो, शिक्षा की हो, समाज की हो, समाज सेवी पवित्र काम इन संस्था ने किया है। मैं ओम जी को, अशोक जी को बधाई देता हूँ कि ये पवित्र काम निरंतर जारी रहें, जारी रखें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगातार 14 वर्ष है और पिछले 2 वर्षों से हम मेल के जो झांकियाँ निकलती है स्वदेश मेलों की, अनंत चतुर्दशी जी की झांकियों में, उनका सम्मान करने का हमारे मन में आया कि मेल के जो मजदूर होते हैं उनको पुरस्कृत किया जाए कि कितनी मेहनत करते हैं उसको, और हमारी संस्था के द्वारा उनको नकद राशि दी जाए। हम छोटी सी सेवा उनके लिए चालू करी और आज हमने इस वर्ष नया जो शहर की प्रतिष्ठित हस्तियाँ हैं, 7 लोग हैं, उनका सम्मान भी हम गुरुदेव के माध्यम से, माननीय तुलसी सिलावट जी के माध्यम से, शंकर लालवानी जी के माध्यम से, सज्जन भैया के माध्यम से, वहाँ आज शहर की प्रतिष्ठित हस्तियों का सम्मान भी रखा हमने इस आयोजन के माध्यम से। और ये लगभग ये इस कार्यक्रम को कराते हुए 14 वर्ष है और हर वर्ष कुछ नया करने की कोशिश रहती है कुछ संस्था के माध्यम से कि कैसे किसी की मदद हो, कैसे किसी का सम्मान हो संस्था द्वारा। देखिए, आज स्वामी उत्तम स्वामी जी का यह कार्यक्रम था लेकिन आज वो किसी कारण से दिल्ली से फ्लाइट उनकी चुक गई और वो आ नहीं पाए हैं। और आज हमने वो जो झांकियाँ जो गणेश उत्सव में निकलती हैं, जो काफ़ी मेहनत करते हैं, उन लोगों का सम्मान रखा था जो प्रथम, सेकंड और तीसरे नंबर पे आए थे। साथ ही उन लोगों का भी सम्मान हमने किया है जो इंदौर शहर में अलग अलग क्षेत्र में अपनी प्रतिभाएं देते हैं, चाहे वो खेल के उसमें हो, चाहे वो सेवा के उसमें हो, चाहे धर्म के बारे में। इस तरह से अलग अलग 7 लोगों को हमने चुना था और उनका भी हमने सम्मान किया है। आदरणीय श्री तुलसी सिलावट जी मंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा ये पूरा कार्यक्रम किया गया था, जिन्होंने समाज सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। हम चाहते हैं कि इस संस्था के माध्यम से
और दूसरे लोग भी उनसे प्रोत्साहित हों और समाज सेवा के कार्य के लिए जुड़े। अशोक गोयल, क्योंकि जब भी कोई समाज सेवा का काम करता है उसको घर बार सब छोड़ना पड़ता है तो समाज सेवा होती है। हमारे साथ किशोर कोडवानी जी ने जीवन पूरा इसमें समर्पण कर दिया, गोविंद अग्रवाल ने कर दिया।